वो तो मैं जानता हूँ, मगर अगर मगर छोड़िए आका, आइए फल खाइए। अब कहाँ चले? फल नहीं खाओगे? तुम्हें भी तो भूख लगी है। जरूर खाऊंगा, खूब खाऊंगा। पहले आपके लिए झरने से मीठा पानी तो ले आऊं। तुम इस तरह क्यों हंस रहे हो जिनेरिया से? क्या हो गया है तुम्हें? मैं जिनेरिया से नहीं बेवकूफ आदमजात, मैं गुलफाम हूँ, गुलफाम। गुलफाम? ये कैसे हो सकता है? गुलफाम तो कोहे खाफ में है। हाँ, मैं कोहे खाफ में था, मगर अब तेरे सामने हूँ। देख मेरा असली रूप, देख। धोखेबाज जिन गुलफाम, तो ये तू था, मेरे दोस्त जिने रियासत के भेस में। हाँ, वो मेरी चाल थी कि तू तिलिस्मी कालीन से नीचे उतर जाए और मेरे फरेब के जाल में फंस जाए, और तू फंस गया। कितना अहमक है तू आदमजाद! गुलफाम के खौफनाक पंजों से अब तुझे कौन बचाएगा? जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मगरूर जिन, अगर मौत मेरा मुकद्दर है तो कोई मुझे बचा नहीं सकता, और अगर जिंदगी बाकी है तो कोई मिटा नहीं सकता। तू अपने अंजाम की फिक्र कर बदबख्त गुलफाम। गुलफाम से टकराने का अंजाम अब तुझे भुगतना होगा आदमजाद। जिस शहजादी से मैं इश्क करता हूँ उसे तू बचाने निकला था, उसने आरा से शादी रचाने निकला था, मगर अफसोस, सोच, तुझे कौन बचाएगा, कौन तेरी मदद को आएगा? हाँ, खुदा के बंदे, तुझ जैसे शैतानों से नहीं डरते गुलफाम। कमाल है, वो खौफ के खतरनाक से खतरनाक खौफनाक जिन भी जिससे पनाह मांगते हैं उस हिम्मतनाक जिन से भी तू नहीं डरता। तो ले मर। अपने तिलिस्म, अपने जादू पर घमंड करने वाले बदबख्त जिन, तू मगरूर ही नहीं बुजदिल भी है। अगर बहादुर होता तो बहादुरों की तरह मुकाबला करता, यूं जादू ना करता। इंसान और जिन का मुकाबला नहीं, फकीर इंसान आदमजाद, मैं तुझे यही सबक सिखाने आया था। अभी भी वक्त है, हुस्न आरा का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दे। अभी तो सिर्फ तेरा आधा जिस्म ही पत्थर का हुआ है, अगर तू अपनी हिमाकत से बाज नहीं आया तो तुझे पैर से सर तक और सर से पैर तक पत्थर का बना दूंगा, तेरी हस्ती को मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा तुझे। या अल्लाह, मेरा दोस्त, मेरा हमदर्द, जिन्हें रियासत, आखिर कहां है रियासत? रियासत!
इस एक फल से ही दो जिनों के भी पेट भर जाएंगे। आका बिलाल इस फल को देखकर बहुत खुश होंगे। जिनी रियासत, अच्छा हुआ जो तुम आ गए। आका, 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 यह हालत आपकी किसने बनाई आका? तुम्हारी बात ना मानने की सजा पाई है। तुम्हारे जाने के बाद वो शैतान गुलफाम आया था। क्या गुलफाम आया था? हाँ, मगर वो तुम्हारे भेस में आया था जिन्हें रियासत। मेरे भेस में? हाँ, और मैं धोखा खा गया। कालीन से नीचे उतर आया और उसने मेरा आधा जिस्म पत्थर का बना दिया जिन्हें रियासत। नहीं 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 आका, मेरी पल भर की गफलत से ये क्या सितम हो गया, ये कैसी आफत आ गई आका? ये तुम्हारी नहीं मेरी गफलत का नतीजा है मेरे दोस्त। मगर अब अफसोस से क्या हासिल, खुदा का नाम लो और अकल से काम लो। सोचो कि हमें आगे क्या करना है। करना क्या है आका, सिवाय गुलफाम का काम तमाम करने के। वो अगर जिन है तो मैं भी जिन हूं। गुलफाम को ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा कि पत्थर भी कांप उठेंगे। हाजिर हो जिन्हें दौलत, हाजिर हो जिन्हें रियासत के सामने, जाहिर हो अपने भाई की आवाज सुन, मेरे अल्फाज सुन। जिन्हें दौलत, जाहिर हो, जाहिर हो। जिन्हें रियासत, लगता है जिन्हें दौलत तुम्हारी पहुंच से कहीं दूर चला गया है, वरना तुम्हारी सदा सुनते ही हमेशा सामने आ जाता था। नहीं आका, हम दोनों जिन जुड़वा भाई हैं। दुनिया के किसी भी कोने में एक दूसरे की सदा सुन सकते हैं और एक दूसरे को देख सकते हैं। खुदा खैर करे तुम्हारा भाई किसी मुश्किल में तो गिरफ्तार नहीं हो गया। मुश्किल में तो हम दोनों भाई गिरफ्तार हो चुके हैं आका। क्या? हाँ आका, शैतान जादूगर जिब्रान ने मुर्गे सादत के दोनों अंडों को हासिल करके स्याह काले कपड़े में लपेट दिया है, जिसकी वजह से हमारी तिलस्मी ताकतें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। हमारी ताकत, हमारा असर काले कपड़े के अंधेरे में कैद होता जा रहा है। ऐ चांद परी, ऐ मेरी मददगार, देख तेरा ये मोहसिन फिर से मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है। जाहिर हो, हाजिर हो, हमारी फरियाद सुन ले। जाहिर हो। कासिम, मेरी मोहसिन, बहुत दिनों बाद चांदी परी को याद किया, शुक्रिया। शुक्रगुजार तो हम तुम्हारे हैं चांद परी, तुमने वो तिलिस्मी पापोश देकर हमें हमें ये महल तक पहुंचा दिया, जहां हमारे बेटे बिलाल की हुकूमत चलती है। ये मुल्क फारान उसी की सल्तनत है। ये सब खुदा की कुदरत और तुम्हारे बेटे की किस्मत है जमीला। अब तो खुश हो? हर खुशी हमसे रूठ गई है, हर उम्मीद, हर आस टूट गई है चांद परी। मायूसी गुनाह है कासिम, मुझे बताओ क्या बात है, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, कोई खिदमत कर सकूं। तुम तो जानती हो चांदी परी, हमारे दो बेटे हैं
जलाल तो अभी तक मिला ही नहीं, और बिलाल मिलकर भी नहीं मिला। ये कैसी पहेली जैसी बातें कर रही हो जमीला? हाँ चांद परी, जब हम अपने बेटे बिलाल को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचे तो फिर हमारा बेटा बिलाल यहाँ से सल्तनत खुरासान के लिए रवाना हो चुका था। और हमारी बदनसीबी ये है कि हम अपने बेटों का मुंह तक नहीं देख पाए। पता नहीं वो किस हाल में है। ओह खुदाया, अब क्या होगा, हम कोहे काफ कैसे पहुंचेंगे? शहजादी हुस्नारा को जिन गुलफाम से कैसे बचाएंगे? अब इस आफत से बचने का बस एक ही रास्ता है आका। कौन सा रास्ता? चांद परी। चांद परी, ये कौन है? मेरी मुंह बोली बहन है, उम्मीद की आखिरी किरण है। बस अब वही हमें इस मुसीबत से बचा सकती है। अल्लाह के करम से बिलाल सही सलामत है। खुदा का शुक्र है। मगर अब हमसे और इंतजार नहीं होता, और अब हम सब्र नहीं कर सकते। चांदी परी, नहीं कर सकते। हम पर अपनी इनायत का साया कर दो, हमें अपने बेटों जलाल और बिलाल से मिला दो। माफ करना कासम, मेरे भाई रियासत को भी मेरी जरूरत आन पड़ी है। इसका मतलब है तुम हमें नाउमीद छोड़कर जा रही हो? इस वक्त मजबूरी है, मगर मैं वादा करती हूँ मैं जल्द तुम्हें जलाल और बिलाल से मिलाऊंगी। मैं वापस आऊंगी, अब मैं इजाजत चाहती हूँ। आज जिंदगी में पहली बार मेरे भाई रियासत ने मुझे मदद के लिए बुलाया है, शायद उस पर किसी मुसीबत का साया है। खुदा तुम्हारी मदद करे। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे चांदी परी। तुम आ गई चांद परी, मैं जानता था तुम अपने भाइयों की मदद के लिए सब कुछ छोड़कर जरूर पहुंचोगी। जाहिर है, जब तुमने अपनी मुंह बोली बहन को पहली बार मदद के लिए पुकारा है तो मैं देर से कैसे आ सकती थी यहाँ तक कि तुम्हारे पास पहुँचने के लिए मैंने एक अहम काम को अधूरा छोड़ा है। इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। वैसे ये बताओ कि उस अहम काम का ताल्लुक तुम्हारे आका बिलाल से है? तुम आका बिलाल को जानती हो? मैं तो उनके माँ बाप कासिम और जमीला को भी जानती हूँ। वो दोनों जलाल और बिलाल की तलाश में बरसों पैदल चले हैं। अब्बा जान और अम्मी जान भी? अब्बा तो खैर मुझे सच सच बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर अम्मी जान तो? बिलाल, अब तुम्हारी माँ जमीला पहली जैसी नहीं रही। वो तुमसे मिलकर अपने किए की माफी मांगना चाहती हैं। तो तुम मुझे मेरे अब्बा जान और अम्मी जान के पास ले चलो, हमारी वजह से उन्हें बहुत तकलीफें उठानी पड़ी हैं। मैंने तुम्हारे माँ बाप को तुम दोनों भाइयों से मिलाने का वादा किया है, यही वादा मैं तुमसे भी करती हूँ। मुनासिब वक्त आने पर ये काम मैं जरूर करूँगी, मगर इस वक्त मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि मेरे भाइयों पर ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी है जो खुद भी तिलिस्मी ताकत के मालिक होने के बावजूद मेरी मदद चाहते हैं। हम दोनों भाइयों की तिलिस्मी कुवत खतरे में पड़ चुकी है। तुम तो जानती ही हो हमारी सारी तिलिस्मी कुवत, हमारा सारा जादू मुर्गे सादत के अंडों की बदौलत है। हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मगर वो अंडे जादूगर जिब्रान ने चुरा लिए हैं और उन्हें काले कपड़े में छुपा दिया है, जिससे हम अपनी तिलिस्मी ताकत को पूरी तरह से इस्तेमाल में नहीं ला पाते, और वो शैतान अपने शैतानी इरादे पूरे करने की गरज से
उन अंडों को जलाकर फिर से मुर्गे सादत को पैदा करना चाहता है। अगर जिब्रान ने उन अंडों को जला दिया तो यूं समझो उस आग में हम दोनों भाइयों की तिलिस्मी ताकत पूरी तरह से जल जाएगी और हम अपनी आकाओं की जलाल और बिलाल की कोई खिदमत अंजाम नहीं दे सकेंगे। जिन होते हुए भी हम आम इंसानों की तरह मजबूर होकर रह जाएंगे। अगर रियासत मेरी मदद ना कर सका तो जिन गुलफाम अपने शैतानी इरादों में कामयाब हो जाएगा। इस तरह जादूगर जिब्रान और जिन गुलफाम दोनों अपने शैतानी इरादों में कामयाब हो जाएंगे। नहीं बिलाल, अल्लाह ताला शैतानों को कभी कामयाब नहीं होने देता। जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। भाई रियासत, बताओ मैं क्या मदद करूं? मेरा और आका बिलाल का सारा हाल भाई दौलत तक पहुंचा दो। तिलिस्मी ताकत खत्म होने के सबब हम एक दूसरे को खबर नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, मैं इस काम को जरूर अंजाम दूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इस तरह मुंह लटका के क्यों बैठे हो? कल आपके साथ जो हादसा हुआ उसका जश्न तो नहीं मनाया जा सकता आका। हादसा? कैसा हादसा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। नहीं आका, आपसे मैंने पहले कहा था कि अपनी पगड़ी का खास ख्याल रखिएगा। खुदा का शुक्र है कि पगड़ी सलामत है, मगर इसमें छिपाया हुआ वो तिलिस्मी अंडा चोरी हो चुका है। क्या? क्या? तिलिस्मी अंडा चोरी हो चुका है? मगर कैसे? किसने चुराया? आपकी बेवफा महबूबा महजबीन ने। ये तुम क्या कह रहे हो जीने दौलत? तुम होश में तो आओ। अरे मैं जमीन भला वो तिलिस्मी अंडा क्यों चुराएगी? वो तो हजार जान से मुझ पर आशिक है, हजार जान से वो क्यों चुराएगी भला? मैं जमीन को सिर्फ सोने चांदी के सिक्कों से इश्क है, बेपनाह दौलत की हवस है उसे। क्या? हाँ आका, बेपनाह दौलत की लालच में मैं जमीन ने वो तिलिस्मी अंडा चुरा कर जादूगर जिब्रान के हवाले करने का वादा किया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। ये हमारी तबाही बर्बादी के आसार हैं आका, हमारी जानें खतरे में पड़ चुकी हैं। खुदा पर भरोसा रखो जीने दौलत, भरोसा रखो खुदा पर। कुछ सोचो, कुछ करो, करो कुछ। जिब्रान के आने से पहले मुझे महजबीन के महल तक पहुंचा दो, बस। मेरा असर, मेरी ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है आका, मगर फिर भी आखिरी सांस तक अपने आका की खिदमत करना मेरा फर्ज है।